वेल, लाइफ हैज़ बीन अ ग्रेट स्ट्रगल अंटिल नाउ. द काइंड ऑफ जितना इम्पैक्ट मेरे पापा के जाने के बाद हुआ है हमारे फैमिली पे, बहुत ही गहरा है. शायद जो पेरेंट्स वहाँ पे हैं, जो सिंगल पेरेंट्स हैं, शायद वो समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट कितना गहरा है. तो हाँ, जो भी डिसीजन अभी लिया गया है नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर लाने का, वो बहुत ही गलत है. तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इसके बारे में सोचे और एक सेकेंड थॉट दें इस डिसीजन के बारे में. मैम, तो क्या आप इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील करना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली हम अपील तो करेंगे. अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू, लाइक उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है, तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से. और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए. पापा के दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे इसके बारे में अगर इनजस्टिस होता है तो. आप भी लड़ेंगे? डेफिनेटली हम डेफिनेटली लड़ेंगे. हमारे तरफ से जो भी हो सकता है हम करेंगे. हमने हमने सिविल सर्वेंट नहीं बना है, बट आई थिंक अभी बहुत सोर्सेस है जहाँ से हम जा सकते हैं, लड़ सकते हैं. तो हाँ, डेफिनेटली हम लड़ेंगे. नीतीश कुमार गवर्नमेंट को आपको क्या कहना है? नीतीश कुमार जी के गवर्नमेंट को बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो भी एग्जाम्पल आप लोग सेट कर रहे हैं बहुत ही इनकरेक्ट है. आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को, इनफैक्ट, कि यू नो, किलिंग समवन और आगे बढ़ना इज़ करेक्ट, एंड दैट टू अ सिविल सर्वेंट हु हैड वर्कड सो हार्ड टू बिकम यू नो एन IAS ऑफिसर. शायद उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मगर सिर्फ उन्होंने बिहार के लोगों के लिए काम किया था. तो मैं चाहती हूँ कि नीतीश कुमार जी सोचे कि उस टाइम पे उन्होंने इतना अच्छा सर्विस किया था कि आज तक लोग उनको पहचानते हैं. मैम, क्या आपको लगता है कि सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के वजह से उनको बाहर लाया जा रहा है आनंद महल को? अगर इतने लोग बात कर रहे हैं तो शायद वही सच होगा. तो हमने सुना है कि आनंद मोहन राजपूत है और इन कास्ट पॉलिटिक्स में जाके उनके उनके फेवर थ्रू शायद एक उनके नंबर ऑफ वोट शायद बढ़ सकते हैं. तो ये सब कुछ एक डेफिनेटली बड़ा हाथ होगा, बट मैं अश्योर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को बैक साइड ऑफ द स्टोरी नहीं पता है कि क्या है. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.